हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है 23 अप्रैल और मैं उठ चुकी हूँ सुबह सुबह, क्योंकि हम लोगों को आज जाना है सुकराला माता। हम लोगों को जाना है सुकराला माता और इन्होंने बोला था सुबह सुबह जल्दी सब उठ जाना, बट अभी तक कोई नहीं उठा। आप देख रहे हो आवाज़ गूंज रही है मेरी, अभी तक कोई नहीं उठा। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर, अभी तक अभी रोशनी हो रही है। जिसने बोला था सुबह जल्दी जल्दी उठ जाना, वो खुद भी नहीं उठा अभी तक। तो मम्मा उठ गए हैं और अभी इनको उठाते हैं। लेट्स गो, लेट्स गो। मेरा पिट्टू तो उठ गया, मेरा पिट्टू तो उठ गया। इनका उठना बाकी है, जो कि ये उठेंगे नहीं अभी। और मैं तो उठ के नहा भी चुकी हूँ, ये मेरा गोलू उठेगा अभी। गुड मॉर्निंग चना, चना गुड मॉर्निंग। ये भी उठ गई है, देखो इसका हाथ बीच, उठाओ इसका हाथ नीचे आ गया। ये भी उठ गई है, सबसे छोटा बच्चा, मतलब सबसे छोटा फैमिली मेंबर हमारा उठ गया। पर ये लोग अभी तक नहीं उठे हैं, इनको उठाना बहुत मुश्किल है। और अभी बज रहे हैं 6:10 हो रहे हैं अभी। वो दिखाती हूँ वॉच, 6:10 सो रहे हैं और अभी तक आने जाने का कोई पता नहीं। सी 6:10 सो रहे हैं। 2000 years later. So guys, अब हम निकलने लगे हैं और निकलते निकलते 7:45 हो ही गए हैं। इसको मैंने सुला दिया था बट अब फिर उठ गई है, ये गाड़ी में सो जाएगी, है ना, गाड़ी में सो जाना। ओके, तो गाड़ी में सो जाएगी तो निकलते हैं, वरना बहुत लेट हो जाएगा। और ये नीचे से चिल्लाएंगे, पहले ये उठ नहीं रहे थे, अब जब उठे हैं तो अब चिल्ला रहे हैं कि निकल 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 निकल। तो मैं आपसे मिलती हूँ गाड़ी में जाके, बाय बाय बाय। A few minutes later. तो गोला आ चुका है अपने चाचू के पास और हम यहीं से गाड़ी में बैठेंगे। तो गाड़ी वाले अभी आए, आ गए हैं, नहीं आए गाड़ी वाले, अभी नहीं आए। गाड़ी का वेट हो रहा है, गाड़ी पता नहीं कब आएगी। पता नहीं कब आएंगे यार। हम ऊपर खड़े हो गए थे, ऊपर वेट कर रहे थे और ये लोग नीचे हमारा वेट कर रहे हैं। बस अब हम चले नीचे। तो ये लगी हमारी गाड़ी। फिंगर निकालो बाहर। Years later. No. तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं खाना खाने के लिए, है ना गोली? हम खाना खाने के लिए रुके हैं, हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। हाँ, सच में ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। और यहाँ पे पीछे रो भी लगी हुई है और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है। यहाँ का व्यू देखो आप। ओए इंद्रू, उठ गया? व्यू देखो आप, व्यू देखो, व्यू एकदम झक्कास। सो गाइस, नाउ वी हैव रीच्ड और वहाँ हमारी गाड़ी लगी है। अब हम लोगों को यहाँ से जाना है और मेरे को वॉशरूम यूज़ करना था। तो अंकल ने बोला, जिनसे हमने प्रसाद वगैरह लिया, वो कह रहे थे कि हमारे वाला यूज़ कर लो। तो हम वहाँ पे रुके हुए हैं, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे ना लोग बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा। और आप देखो कितना रश है, वहाँ पे गाड़ी रुकी हुई है, वो बसेज आई हुई हैं, वहाँ पे बसेज आई हैं, वो देखो कितना रश है। अभी उन्होंने बोला है ऊपर ऊपर तो बहुत लाइन लगी हुई है, आई डोंट नो, बहुत बसेज आई हैं सुबह की, लेट्स सी। और ये जो अंकल हैं यहाँ पे, इनका शॉप नीचे है प्रसाद वाली, हमने यहाँ से प्रसाद लिया
और नाउ हम आपको अपनी, और ये हूँ मैं। बस अब हम निकलने के लिए रेडी हो गए हैं और हस्बैंड गए अंदर वॉशरूम यूज करने। बस अब हमारा सफर शुरू हो गया यहाँ से, तो अभी चलो हमारे साथ तो दर्शन करते हैं माता के। जय माता दी। सी ये जो बस के लोग उतरे हैं अभी, इतने सारे लोग हैं। A few minutes later. यहाँ से हमारा मेन मंदिर स्टार्ट है, लिखा हुआ है जय माता दी। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मैं यहाँ पे पहले आई हुई हूँ। नहीं यार मैं आई हूँ यहाँ पे, बट मुझे याद नहीं आ रहा। सो गाइस प्रसाद लेने के बाद हम लोगों ने स्टेज चढ़ना स्टार्ट किया और यहाँ पे ये वेट कर रहे थे मम्मा पापा का, क्योंकि वो हाथ हाथ धो रहे थे। तो स्टेज चढ़ते चढ़ते हमें पता चला कि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है ऊपर। तो मेरे को और जिगी को इन्होंने सोचा कि आगे निकाल देते, क्योंकि जिगी परेशान करने लगी थी, धूप भी बहुत ज़्यादा थी उस दिन, हम संडे वाले दिन गए थे। तो इन्होंने एक अपने ऑफिस से किसी से कॉल करवाया आर्मी वाले भैया को, तो उन्होंने हमें आगे तक लेकर तो गए, बट मेन मंदिर तक वो नहीं लेकर गए, क्योंकि उन्होंने बोला वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है, वो रास्ता बहुत छोटा सा था, एंगल्स वगैरह लगे थे ना, दैट्स व्हाई। तो वहाँ तक तो उन्होंने जैसे तैसे करके पहुँचाया हमें, बट आगे मुझे फिर भी लाइन में लगना पड़ा। और अब ये देखो जहाँ से मैं बता रही थी ना कि क्राउड बहुत ज़्यादा था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था, यहाँ से लाइन स्टार्ट थी और ऊपर तक तीन तीन चार चार लाइंस लगी हुई थी, बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर यहाँ तक मुझे आर्मी वालों ने पहुँचाया। आप देखो ये मंदिर का अंदर का रास्ता है, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के ये मंदिर का मेन रास्ता है, और यहाँ पे ना जिगजैग वाले एंगल लगे थे, तो यहाँ पे भी एक भैया ने मुझे क्रॉस करवाया एंगल और मैं पहुँच गई मंदिर, मेन मंदिर में अंदर जहाँ पे माता की मूर्ति है। आप देखो अभी आपको दिखाऊंगी मैं, ये है माता की मूर्ति, जय माता दी। ये है सुकराला माता, बहुत प्यारी लग रही थी माता, और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं पहले भी यहाँ पे आई हूँ, बट मुझे ना बिल्कुल भी याद नहीं था। फिर मैंने दर्शन किए और दर्शन करके मैं बाहर जी को लेकर बैठ गई, क्योंकि ये भी थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी। सो गाइस मैं यही बोलना चाहूँगी कि वीकेंड्स पे तो कभी मत आओ, वीकडेज जितना हो सके वीकडेज पे आओ। 2000 years later. सो गाइस मंदिर से वापस आने के बाद हम लोगों ने रास्ते में ना टी ब्रेक ली थी, तो जिस शॉप पे हम रुके थे वहाँ पर उन्होंने ना ये तीन स्वान आई डोंट नो पाले थे क्या किया था, तो ये ना बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तो इनको चिल्लाता हुआ देख के ना जिगी भी चिल्लाने लगी, जो अभी भी चिल्ला रही है पीछे, तो जिगी भी चिल्लाने लगी, तो इसके साथ ना जिगी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। हम चाय पीने के लिए रुके हैं यहाँ पे, बहुत हेडेक हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। और यहाँ पे ना नालतिक देवता जी का मंदिर भी है, जिगी इनकी आवाज़ सुन के बहुत अट्रैक्ट हो रही थी, हम इसको इससे मिलाने के लिए ले आए। मम्मा की इतनी बुरी हालत है और हम लोग तो थक गए बिल्कुल, मम्मा की वॉमिट कर करके हालत खराब है और हमारी ट्रैवल कर करके, क्योंकि सुकराला माता कितने कितने घंटे लगे हमें, 5.5 घंटे जाने में, आने में तो हमें 2 घंटे लगे, आने में अभी तक बस थोड़ा सा रास्ता रह गया, कुछ 25 किलोमीटर रह गए। तो चलो चाय पीते हैं, कुछ खाते पीते हैं और फिर निकलते हैं। मेरा बच्चा गेयर डालेगा अभी, एक सेकंड पहले डालने दो उसको गेयर, देखो कक डालो, रह कितना गया पापा, 15 मिनट का रास्ता। ओए डालो शॉक्स डाल दो, हाँ जी पापा कर दो कर दो, चलो बच, हम इस गियर वापस पीछे कर रहे हैं, ये वापस गियर डाल रही है, इतनी तेज हो गई है। चलो लेट्स गो, बोले लेट्स गो गाइस, वो देखो कितना प्यारा लग रहा है मून और स्टार एक साथ, कितना प्यारा लग रहा है।
ये हलवा किस। The next day. Hi guys, good morning. आज है अगला दिन और हम कल रात को आके सो गए थे बड़े गंदे तरीके का। मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि जो झंडा हमने वहाँ से लाया था शुक्राला माता से, जो हमें मिला था, वो आज हम अपनी छत पे लगाने लगे हैं। पापा लगा रहे हैं पीछे, ये मेरा गोला पुतला, वही अभी लग रहा है। वेट, लहरा गया हमारा झंडा, हवा चलेगी तो फिर ये दिखेगा। चलो अब हम नीचे चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस, मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया, वहीं का बनाया था, क्योंकि आप लोगों ने जैसे देखा कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, बहुत क्राउड था। मतलब हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग आए हैं संडे को, बट हम लोगों ने गलती की थी संडे को जाकर। मेरे हस्बैंड ने जैसे तैसे करके हम लोगों को घुसाया है, आर्मी वालों से बात कर करके हम लोगों को आगे लाइन में घुसाया है। मतलब मैं तो निकल गई हूँ, मेरे को फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट पापा को बहुत प्रॉब्लम हुई है। मम्मा तो लाइन में लगे हुए हैं। मम्मा के लिए हमने इतना वेट किया है हम लोगों ने। भैया को भी हम लोगों ने लाइन में लगाया जैसे तैसे करके, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था कि अगर आप लाइन में भी लग रहे हो बट स्टिल लोग तीन तीन चार चार लाइनें बना रहे थे, जिससे क्या हो रहा था कि नए लोग जो थे वो आगे जा रहे थे और जो लाइन में लगे हुए थे वो बेचारे वैसे ही लाइन में लगे हुए थे। बट बहुत बहुत ज़्यादा क्राउड था वहाँ पे, पर मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग भी नहीं कर पाई वहाँ पे। हम लोग वहाँ पे रुके नहीं, हम लोग निकल गए, क्योंकि वहाँ से लेकर घर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। फिर उसके बाद पहुंचने के बाद गाइस इतने ज़्यादा थक गए थे कि मैं तो सो ही गई हूँ। मैंने सिर्फ चाय पी और मैं सो गई हूँ। मैं बेड पे लेटती हूँ, मेरी जीगी ने मेरे को तंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका मूड था खेलने का और मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। मेरा मन था मैं सो जाऊँ बस, बट क्या कर सकते हैं, माँ हूँ। फिर खेला थोड़ा सा उसके साथ और उसको सुलाया ज़बरदस्ती। और इन सब के बावजूद मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम लोगों को लेकर गए थे मेरे हस्बैंड, ठीक है। उन्होंने 300 अप्रॉक्स ड्राइव किया, ठीक है, बट वो हमें यहाँ पे जम्मू में छोड़ के फिर वापस से अपने साइट पे गए हैं, साइट वगैरह विजिट की है, उसके बाद अपने ऑफिस का काम करना था वो किया है। फिर वो रात को 11:30 बजे, मतलब 11:30 और 11:45 का टाइम था, उस टाइम पे वो सोए हैं। और एक काम और था उनको, उनके फ्रेंड आए थे, उनके साथ जाना था क्योंकि उनकी बहन की शादी है, तो उनके साथ कार्ड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने था, सिर्फ एक ही घर में छोड़ना था, तो वो करने भी गए। बट स्टिल वो लोग वो 12, मतलब वही मैंने आपको बताया, 11:45 तक सोए हैं। मतलब हैट्स ऑफ है, इतना ड्राइव करने के बाद अगर मैं होती तो मैं तो बेड पर सो गई होती सब काम छोड़ के। सो अभी सभी उठे हैं सुबह 9 बजे, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, वरना मेरा व्लॉग वो रह जाएगा, पेंडिंग रह जाएगा। सो या दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा छोटा मोटा व्लॉग। मैंने चाहा तो यही था कि मैं अच्छा सा व्लॉग बनाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक्सप्लोर करूँगी शुक्राला माता को, बट जितना हो पाया मैं उतना ही कर पाई, क्योंकि बहुत रश था और बच्चे के साथ वैसी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सो बस मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि अगर आपका प्लान बनता है शुक्राला माता को जाने के लिए, तो प्लीज़ 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 संडे और ट्यूसडे को तो बिल्कुल भी मत जाना, वरना आप लोगों की हालत हमारी जैसे होने वाली है, बहुत गंदी हालत होने वाली है, क्योंकि बहुत रश होता है उस टाइम पे। सो या दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, लव यू।